इसलिए इसको ब्लू सिटी बोलते हैं। जयपुर पिंक है, ये ब्लू है, और जैसलमेर गोल्डन सिटी जिप वे। और ये वॉल कितना किलोमीटर का है? 9 किलोमीटर। अभी भी इनको ब्लू करना पड़ता है अगर घर का रंग चेंज करना पड़े तो? नहीं, अभी भी लोग उसी कलर को अपना, धीरे धीरे आप देखें काफ़ी मकान नीले होते के बाद में। अच्छा, ताजा होने के बाद दूसरे लोगों ने इसी कलर को अपना। गर्मियों के अंदर यहाँ सूर्य बहुत तेज होता है तो दूसरे जो कलर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ये कलर आंखों के लिए काफ़ी ठंडा रहता है, सूथिंग कलर है पूरा इसी, तो दूसरे लोगों ने इसी कलर को अपना, धीरे धीरे काफ़ी मकान नीले होते। और ये सब में लोग रहते हैं क्या? अभी कोई नहीं रहता। ये किला 550 साल पुराना किला है। इसका पूरा जो निर्माण, जिस इसलिए आप देख रहे हैं, आपका निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग 400 साल लगे, तो 400 साल में जाके इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो ये लास्ट एडिशन है इसके लिए, 18th century में जो बना, लास्ट एडिशन है। पहाड़ी पे आपको दिख रहा नहीं, कुछ मकान अब नीले, कुछ निकाल बाहर हो गए, लेकिन पहाड़ी पे यूँ फिर वो दीवार उधर जा रहा है, उस पर उधर यूँ होकर उस पहाड़ी पे फिर दीवार होकर के ऐसे निकल रहा है गाँव में पूरा ले जाओ। नहीं कैनन्स रखने के लिए हुआ करता था, सब जगह पहले पुराने कैनन्स रखा करते थे, अभी कुछ कैनन्स रखी हुई, बाकी कैनन्स अभी होल्ड हिम हाँ पप्स। वी आर ऑन द 12th floor, टू कम अप इन एन एलिवेटर। वाओ, यहाँ से फिर आपको शहर का सुंदर दृश्य दिखता है, सुंदर सिटी व्यू यहाँ से। वहाँ पे वो जगह व्हाइट बिल्डिंग दिख रहा है आपको, उसको वो जसवंत राय, ये राजाओं का शमशान घाट है, क्रिमेशन प्लेस है रॉयल फैमिली का। बिल्डिंग बना हुआ व्हाइट मार्बल में, तो बिल्डिंग बना 1906 में, 1906 में जसवंत सिंह जी जो यहाँ के राजा थे, तो सबसे पहले उस जगह पे उन्हीं का दाह संस्कार किया गया, जसवंत सिंह। और फिर ये नीचे ओल्ड सिटी है, सामने एक पहाड़ी का आपको महल दिख रहा है, उसको बोलते हैं उम्मेद भवन पैलेस। ये महल है 1929 में बनना शुरू हुआ, 1944 में महल बनके कंप्लीट हुआ, सो ये भारत का आखिरी महल है, इसके बाद भी भारत में कोई महल नहीं बना। ये महल का गजेंद्र सिंह है ना, गज सिंह सेकंड जो अभी राजा है वो रहते हैं उस महल, तो वो इनके ही वंशज है, उन्हीं के वंशज है। और यहाँ का वॉल का वॉल, उस पहाड़ी पे आपको वॉल दिखेगा, उस पहाड़ी पे दिख रहा है आपको लाल लाल वॉल, तो जो प्लेन एरिया वहाँ पे आपको सिटी वॉल, फिर उस पहाड़ी पे फिर वॉल दिखता है, जो पहाड़ी इलाका वहाँ पे आपको वॉल दिख रहा है अभी, और प्लेन एरिया में नहीं दिखता, कि वॉल की हाइट 15 फीट है, 20 फुट है, और ये मकान अभी 3 मंजिल से ज़्यादा होगा, 3 स्टोरी होगा, तो प्लेन एरिया में जहाँ भी ये पहाड़ी देखा, यहाँ से नीचे उतर रहा है ये पहाड़ दीवार, उस पहाड़ी में दिख रहा है उसको पीछे देखे आप। पॉपुलेशन काफ़ी कम था, लेकिन पहले ऐसी थे, फिर बाद में जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती गई, पहले सिंगल स्टोरी थे, फिर डबल स्टोरी हो गए, कुछ लोगों ने 3 स्टोरी तक मकान बना लिया। उसमें रात को वो मार्बल के चेयर पर बैठा करते थे, यहाँ का जो राज पंडित था, जो गुरु होता था, वो रात में कम्युनिटी किया जाता था, उसमें यहाँ के मंत्री लोग थे, तो गवर्नमेंट लोग राजस्थान में पूरा समय में 15% का वेट सिस्टम, तो लेडीज़ को अलाउ नहीं था सेरेमनी में भाग लेने के लिए, उस पर का जो भाग देखे सब लेडीज़ अपार्टमेंट है, तो महिलाएँ जाली के द्वारा सेरेमनी को देख पाती थी, उनको कोई नहीं देख पाता था। सारा ये लाल पत्थर के ऊपर सुंदर कार्विंग खुदाई का काम किया गया है, ये जो महल का भाग है 17th century का निर्माण कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा जब लगता है जब लकड़ी है, लेकिन सारा लाल है, बिल्कुल ये अभी बड़े देखिए बारी है सो आखिरी रास्ते लगे यहाँ पे जो हुआ था 1952 में, जो अभी प्रेजेंट महाराजा गज सिंह सेकंड है उनका रास्ते, उसमें वो 4 साल के बच्चे थे जब वो राजा बने, उनका पिता का निधन विमान दुर्घटना में हो गया था, उसके बाद फिर वो राजा बने, फिर वो इंग्लैंड भेजा गया पढ़ने के लिए, इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई खत्म कर 1970 में वापस आए, और 1972 में इस किले को खोला गया जनता के लिए, तो 1944 से 1972 तक ये किला बन रहा, तो 1972 में इस किले को जब खोला गया जनता के लिए, उस समय एक ट्रस्ट बनाया गया, तो अभी किले का मैनेजमेंट और मेंटेनेंस एक ट्रस्ट द्वारा किया, इस लाइक ए चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा, तो जो भी पैसा आता है वो सब शादी करके ब्रेड लगाया गया, उसके ऊपर से सोने का गोल्ड पॉलिस। नीचे का तो फ्लैट है, फिर भी हाथी में बिक जाता था। हाँ, नीचे तो फ्लैट ही रहेगा, फिर कुशन लगा देते हैं, बड़े कुशन लगा करके ये देखेंगे, ये जैसे सीट रखा हुआ।
ये और एक है इस कमरे के अंदर अलग अलग समय की एलिफेंट सीट से और अलग अलग शेप डिजाइन की एलिफेंट सीट दी गई सब एलिफेंट दीज आर ऑल एलिफेंट सीट्स हैं ये सबसे पुरानी वाली एलिफेंट सीट है 1657 की है लेकिन बहुत सुंदर चांदी का काम है चांदी का सारा सुंदर सिल्वर 1657 ये एलिफेंट के डेकोरेशन के लिए काम में लिया करते थे मैंने इसको डेकोरेट किया करते थे अच्छा वो सामने जो रहता है ये सारी जो एम्ब्रॉयडरी का काम है सोने और चांदी के तारों की एम्ब्रॉयडरी का काम थोड़ा सा हाँ हाँ चलिए चलिए आप बताते हैं ये महारानी के लिए है लेडीज के लिए इसलिए ऊपर से कवर है और जब महारानी अंदर बैठती थी तो फिर पर्दे लगा दिए जाते थे ये पाल की महारानी के लिए है इसलिए फिर देखें आप ये कवर पर्दे लगा के कवर किया गया है साथ में एक छोटी टाइनी स्क्रीन है दोनों साइड में ताकि देख पाते थे अंदर बैठ ये राजा के लिए सुंदर रंगीन कांच का काम किया गया लकड़ी के अंदर ये पार्क इंग्लैंड में बनाई गई थी जब यहाँ की महारानी इंग्लैंड गए थे तो कौन कौन लेके आए थे महाराजा अभय सिंह अमर सिंह महाराजा अभय सिंह अभय सिंह कितने 1734 इसने अहमदाबाद फतेह की थी अहमदाबाद तो लकड़ी के ऊपर सुंदर कार्विंग किया था तो वो कब नहीं थे पाल की वो तो ये जो स्क्रीन है ये रॉयल टेंट है जो स्क्रीन यूज किया करते थे बम्बू स्टिक का बना हुआ दूर से देखने में ऐसा लग रहा है आपको इसके ऊपर पेंटिंग किया गया लेकिन ये पेंटिंग नहीं है हर एक बम्बू स्टिक के ऊपर सुंदर रेशम का धागा लपेटा गया उसके बाद एक के बाद एक ज्वाइंट करके बनाया गया ये कर्टेन था हाँ चिक चिक ब्लाइंड्स विंडोज में दरवाजे पे सुंदर है गन के बैरल पे भी देखें गोल्ड पेंट है डैगर्स के हैंडल्स पे भी और ये सील जो है इसमें सुंदर कसीलाकारी है रेशम के धागे हैं चांदी के धागे हैं और कुछ नगीने लगाए गए इसे भी स्टोन से दिल ऑफ सेरेमनी सिल्वर के आर्टिकल्स हैं यहाँ पे ये डॉल जो है वाइन पीने के उपयोग में लिया करते थे ये लोटा जो है पूजा में काम आता था ये रिंग बॉक्स है उनके रखने के लिए सुंदर पेंट है पान रखने के लिए ये हुक्के के पाइप के आगे लगाने के लिए सभी तो सुंदर आए ये कॉस्मेटिक बॉक्स है महारानी का 19th सेंचुरी का बॉक्स है लकड़ी का बना हुआ है उसको सुंदर आइवरी का लेकिन आइवरी का कार्विंग करके और आइवरी के फोम से ये लेडीज डंबल्स हैं रॉयल लेडीज के एक्सरसाइज करने के लिए डंबल्स हाँ तो कीप फिट अरे बाप रे ये तो नया चीज़ देखा मैंने ये हुक्का है तंबाकू पीने के लिए उपयोग में रहते थे हुक्का चांदी के वायर का बना हुआ सारा बहुत सुंदर देखें आप चांदी के वायर का वीविंग है ग्लासेज भी चांदी के वायर की हैं सब जगह चांदी के वायर का सिल्वर आर्टिकल छोगा ये गाउन है मार्जा का 19th सेंचुरी का इसमें जो कसीदाकारी है सब सोने और चांदी के तारों के कसीदे इस काम को यहाँ बोलते हैं जरी का काम और जरदोजी का काम अर्ली टाइम लेडीज़ के वेडिंग ड्रेसेज बनती थी उनमें बहुत सुंदर सोने और चांदी के तारों का काम होता था ये कारपेट वेट्स हैं गलीचे के ऊपर रखने के लिए चार कॉलम है ताकि गलीचा मुड़े नहीं चांदी के बने हुए हैं लकड़ी का है कैमल बोन्स है कैमल बोन्स से बना हुआ इसे लगाया कैमल बोन्स ये आइडल है गंगोर माता का राजस्थान में गंगोर माता का फेस्टिवल मार्च महीने में आता है उसमें गंगोर माता पार्वती का यानी पार्वती का इनकार्नेशन है
गणगौर। सो राजस्थान में दो त्यौहार आता है महिलाओं के लिए, तीज और गणगौर। सो गणगौर का फेस्टिवल आता है मार्च महीने। स्टेचू जो बना हुआ है ये चांदी का सिल्वर का बना हुआ है, और राजस्थान में जो महिलाएं ऑर्नामेंट्स पहनती है, गहने इस प्रकार के गहने पहनती हैं यहाँ पे, और राजस्थान लेडीज का ये कॉस्ट्यूम है। सेरेमोनियल सोर्स है गोल्ड का सुंदर पॉलिश। सेरेमोनियल यानी इनको यूज में नहीं आता था, जब सेरेमोनियल जब अटेंड करने जाते थे तो डैगर और कानून था। तो सेरेमोनियल में गोल्ड का वर्क है, कुछ डैगर्स हैं सामने कैबिन में, कुछ पे आइवरी के हैंडल्स हैं, कुछ पे गोल्ड पेंट किए हुए हैंडल्स हैं। ये कौन है? वीर दुर्गादास। ये पूरे सीलिंग में लाल कपड़ा लगाए, हर कमरे के अंदर अलग प्रकार की सीलिंग होती थी, हर कमरे की सीलिंग टेंट का जो कमरा होता था उसकी सीलिंग सारा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, बहुत सुंदर थी। इस कमरे को बोलते हैं शीश महल। ये कमरा राजा के प्रेयर और मेडिटेशन के लिए उपयोग में लिया करते थे, पूजा और ध्यान के लिए। सो इसलिए आप दीवारों पर तो रॉयल लेडीज यहाँ आकर के देख पाती थी जाली के द्वारा। अभी इस कमरे के अंदर रॉयल बेबी क्रेडल्स रखे गए, बच्चों के झूले हैं, ये काम होती है। सो इस 19th सेंचुरी में फिर इसका रेनोवेशन किया गया, उसमें रंगीन कांच के दरवाजे लगाए गए, सुंदर कार्विंग किए हुए लकड़ी के दरवाजे, छत पे सुंदर मिरर कवर और लकड़ी के ऊपर गोल्ड का पेंट। सो इस कमरे का नाम दिया गया फिर 19th सेंचुरी में मोती महल, क्योंकि व्हाइट दिखता है सारा पूरा एकदम, बाकी सब जगह आपको लाल लाल ज़्यादा दिखता है, ये सारा व्हाइट एकदम व्हाइट मार्बल का फ्लोर है, मार्बल का और व्हाइट सारा। फिर ये कमरा फिर 19th सेंचुरी में मंत्रिमंडल की बैठक के लिए उपयोग में होने लगा, जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती थी राजा के साथ में इस कमरे में हुआ करते थे, उस समय राजा वहाँ बैठा करते थे, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे और दूसरे मंत्रियों के नीचे बैठने की व्यवस्था। फिर वही राजस्थान में पर्दा सिस्टम होने की वजह से महिलाओं का प्रवेश बढ़ था, सो ऊपर जो विंडो देख रहे हैं आप जाली के पीछे रानियाँ बैठा करती थी, बीच के अंदर महारानी और फिर दूसरी रानी, राजा को डायरेक्शन देता था ये करो, अगर रानियों के कुछ सजेशन होते थे सजेशन राजा को पास किया। इसका भी वापस रेनोवेशन किया गया, उस समय लाल पत्थर के ऊपर सारा व्हाइट वॉश कर दिया गया। हाँ, आपको पूछने वाला था कि ये पत्थर लाल क्यों नहीं है। हाँ, तो ऊपर देखें आप जहाँ व्हाइट वॉश निकल रहा है वहाँ पे लाल पत्थर दिख रहा है। तो इस कोर्टयार्ड को अलग लुक देने के लिए व्हाइट वॉश किया गया, व्हाइट मार्बल का फ्लोर लगाया गया, ये ज्यादा फाइन ज्यादा डिटेल वर्क। अच्छा, ये सारा लाल पत्थर के ऊपर है, सबसे पुराना भाग 1459 का भाग, और ये टूर का आखिरी पोर्शन, यहाँ लगभग टूर एंड हो जाता है। और ये जो कोर्टयार्ड है इसको बोलते हैं दीवाने आम।